वेलकम गाइज, RUHSMK चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSMK चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, फाइनली आपके RUHS ने एप्लीकेशन फॉर्म बनना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप फिर देख पा रहे होंगे, सभी कोर्सेज के लिए, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और BPT के लिए स्क्रीन में शो हो रहा होगा। सो आप तैयार हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, लिंक आ चुका है और टाइम आपको बता दिया गया है कि इसकी स्टार्टिंग डेट है 14 अक्टूबर 2020 से 5 बजे से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट क्या है, 13 नवंबर 2020। ठीक है, तो देर किस बात की है, अच्छे काम में देर नहीं किया करते। फॉर्म भर देना, ठीक है। अगर आपको अपने से भरना है तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। पहले इसमें हम समझेंगे कि आपके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फीस क्या रखी है, प्रोसेस क्या रखा है एडमिशन का, और कौन कौन सी क्राइटेरिया आपके लिए इसमें होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या डिसाइड की है 2020 में, ये सारे हम यहाँ पर जान लेते हैं। राइट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें कोर्स की, तो बेस नर्सिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट बेसिक बेस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, MS नर्सिंग के लिए कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT का भी फॉर्म स्टार्ट है। पैरामेडिकल की बात करें तो BRT, बी ऑप्थल्मी और यहाँ पर MLT, इन सब BSc MLT इन सभी के अवेलेबल है। MSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी इनके भी अवेलेबल है, PG डिप्लोमा इन फ्यूजन टेक्नोलॉजी इनके भी अवेलेबल है, फार्मेसी डिग्री यानी कि सभी के M-Pharma B-Pharma इनके सारे फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। राइट, सो हम देख लेते हैं इनका प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम BS नर्सिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल, उसके बाद फार्मेसी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है 2020 में। सो गाइज, फाइनली आपका ये इंफॉर्मेशन बुकलेट ओपन हो चुका है। इसमें हम बात कर रहे हैं BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 ईयर, ठीक है, 4 साल का ये कोर्स होता है, डिग्री कोर्सेज, और ये जो इंग्लिश में दिया हुआ है इन सभी को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट, तो देखो, आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, क्योंकि आप फॉर्म भरने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने पहले यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ध्यान से आपको पढ़ना है। सो इंग्लिश में किसको दिक्कत हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूर एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, रिजर्वेशन आदि, यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपकी एज का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, और रिजर्वेशन के बारे में यानी कि आरक्षण के बारे में इनका क्या कहना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने बोला है कि एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर 100% ऑफ सीट्स, यानी कि यहाँ पर जो SMS की हम बात कर रहे थे, SMS जयपुर की, यहाँ पर गवर्नमेंट सीटें 100% है। राइट, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंसड यानी कि SMS के अलावा, इनका मतलब है सेल्फ फाइनेंसड का मतलब यानी कि SMS के अलावा राजस्थान में जितनी भी कॉलेज है, जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका अलवर, ये होते हैं सेल्फ फाइनेंसड। राइट, और सेक्शन सीट यानी कि SMS, क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 100% सीट्स, और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, जैसे कि आपका कोई भी प्राइवेट हो गया, बहुत सारे प्राइवेट, तो कोई कमी नहीं है वहाँ पर, 50% सीटें काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, RUHS काउंसलिंग के थ्रू, क्लियर। यानी कि 100% जितनी गवर्नमेंट सीटें वो SMS में, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एजुकेशन होती है। इसके बाद 100% सीटें आपके सेल्फ फाइनेंसड यानी कि कोटा, अजमेर, आपका बीकानेर, आपका उदयपुर, वो होते हैं सेल्फ फाइनेंसड, जहाँ पर आपकी कुछ फीस लग सकती है, ठीक है। और आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है, कोई भी होगी, प्राइवेट कमी नहीं है, प्राइवेट को नाम नहीं बता सकते, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पर 50% सीटें RUHS की काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी, क्लियर। कोई भी शक हो तो कमेंट करके बता देना। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर जितना भी मटेरियल लिखा हुआ है। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, फॉरम की स्टार्टिंग डेट 14 अक्टूबर 2020 5 बजे से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 13 नवंबर 2020 से midnight। एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट की बात करें तो विल बी अनाउंसड लेटर द, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी, कोई भी आपको फिक्र नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, सो मैं आपको बता दूं एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा।
आपकी जो लास्ट डेट है उससे 15-20 दिन बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको तो बस तैयारी करनी है हमारे GK MCQuiz MK चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाए, ठीक है। 15-20 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा इस डेट से, तो अनुमान लगा लो कि 15-20 दिन बाद कितनी तारीख आएगी, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फीस की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर जनरल और OBC वालों के लिए 1500 रुपये पेमेंट है, और जो SC ST जो रिज़र्व कैटेगरी वाले होते हैं उनकी 750 रुपये है, ठीक है। ये आपको पेमेंट करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फीस देनी होगी। इसके बाद आता है आपका योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। सो सबसे पहले एज की बात करें, तो आपकी एज गाइज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, कंप्लीटेड किया होना चाहिए आपका जो 31 दिसंबर 2020 है ना, इस डेट तक आपका 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, राइट। 28 ईयर्स इसके फीमेल, 25 ईयर्स के, राइट। तो इन मेल फीमेल के लिए आप देख सकते हो 17 से 25 क्राइटेरिया, और फीमेल के लिए 17 से 28 इसमें डिसाइड किया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसमें एज का थोड़ा क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आपकी एज नहीं हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी सेक्शन की योग्यता कितनी होनी चाहिए। सो जैसे कि मैंने आपका पहले बोला था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ द 12th स्टडी 10+2 पैटर्न सेकेंडरी एजुकेशन इन ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट मेडिकल ग्रुप, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड, कितना परसेंट होना चाहिए 12th में, जनरल OBC के लिए 45 और रिजर्व कैटेगरी वाले के लिए 40, राइट। यहाँ पर एग्जामिनेशन ये आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, सो ये तो क्लियर हो गया हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10+2 PCB इंग्लिश, और कितना परसेंट होना चाहिए 45% और रिजर्व कैटेगरी वाले के 40%, राइट। नेक्स्ट रिजर्वेशन की बात करें, अब बात कर लेते रिजर्वेशन की, यानी कि आरक्षण की, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर और सेल्फ फाइनेंसेड प्राइवेट सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो गाइज देखिए, 15% सीटें है टोटल ऑल इंडिया वालों के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया में UP वाले भी आ गए, मध्य प्रदेश वाले भी आ गए, बिहार वाले भी आ गए, ये सीटें ऑल इंडिया वालों के लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा 85% सीटें आप देख रहे होंगे, 85% सीटें आपके राजस्थान वालों के लिए, ठीक है। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो बता देना, इतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आराम से धीरे से, ठीक है। और इसके अलावा 16%, 12%, 21%, 5%, 10%, 15% बाय रिजर्व ये कैटेगरी दी हुई है, SC ST OBC MBC EWS, ठीक है। यानी कि SC का 16%, ST का 12%, OBC का 21%, MBC का 5% और EWS का इसमें दिया हुआ है 50%, राइट। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जो गवर्नमेंट में सीटें होती हैं ना, 50% सीटें फीमेल के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, ठीक है। 50% सीटें तो महिलाओं से भरनी है इनको, अगर बाद में रिक्त रहती है उस पर पुरुष फिल किए जा सकते हैं, बट 50% तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित है, ये भी क्लियर कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, और ये देखो कुछ कि आप 10 वर्ष से कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इनको आप रीड कर लेना। वैसे बेसिक आपके दिक्कत हो ऐसी कोई निवास को लेकर तो बता देना, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पर दी हुई है, 5% MBC के लिए, 10% EWS वालों के लिए, है ना, यानी कि 10% रिजर्वेशन दिया हुआ है आपके EWS वालों के लिए। EWS जिसके पास है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो आते हैं ना, उनके लिए सबके लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सारा यहाँ पर दिया हुआ है क्राइटेरिया, और सीट फॉर सेक्शन 2020, तो सीट का सेम क्राइटेरिया है, 100% सीटें गवर्नमेंट SMS में, और उसके बाद जो आपके सेल्फ फाइनेंसेड हो गए, जैसे कि कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, तो यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा, राइट। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था कि आपकी कॉलेज की फीस क्या रहेगी, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप देख लेना,
ताकि पीस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? सो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा गाइज, सबसे पहले आपको तो फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम शो कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस होगा, ठीक है? कहाँ पर होगा? अभी तक जयपुर होता है, ठीक है? तो आपका आरएसएस जयपुर होगा, यानी कि जयपुर में कहीं पर भी आपका सेंटर आ सकता है। ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस होगा, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट से कितने आएंगे? बायोलॉजी से 34, फिजिक्स 33 और केमिस्ट्री से 33। ये क्वेश्चन आपकी से पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। पेपर कौन सी लैंग्वेज में होगा? तो वो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी, यानी कि 15 मिनट पहले आपको एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, तो ताकि आपको रोल नंबर उसमें बैठ ना हो, क्योंकि वहाँ पर सीट कहाँ पर है आपको पता थोड़ी ना है। तो वहाँ पर एंट्री आपको 15 मिनट पहले लेनी है, और एग्जामिनेशन सेंटर पर तो आपको 1 घंटे पहले जाना है। क्या पता आपको कोई ट्रैफिक मिले ना मिले, बहुत सारी समस्या होती है, ठीक है? क्योंकि हमारे टाइम पर हम गए थे तो बारिश आ रही थी बहुत, तो बहुत दिक्कत हुई थी, ऐसा आपके साथ ना हो, तो थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है, ठीक है? सो गाइस, जो जो स्टूडेंट बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप किसी ई मित्र या किसी भी साइबर से भी भरवा सकते हो। आप किसी ई मित्र का सहारा लेकर ही इसको भरवा सकते हो, अगर आपको भरना नहीं आता है तो, ठीक है? अगर आपको भरना है तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की, कि पैरामेडिकल के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, राइट? तो चलिए पैरामेडिकल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे पास पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जैसे कि आपका एमएससी रेडियोथेरेपी हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, कितने साल का होता है? 2 साल 1 साल। और आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्स, जैसे कि बैचलर ऑफ ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन, 3 साल का होता है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 3 साल का होता है। बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी BRT, 3 साल का होता है, राइट? इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो सेम वही है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 14 अक्टूबर 2020 को 5 बजे स्टार्ट है, 13 नवंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर द सबमिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट 13 नवंबर 2020। और आपकी जो रिसिप्ट है, आपका प्रिंट आउट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, RHS में सर्विस कैंडिडेट, डिपॉजिट कब होगा? 19 नवंबर 2020, राइट? एडमिट कार्ड अभी तक कोई डेट नहीं आए, बट आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, 10-15 दिन में आपका इसमें डेट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो आपको 1500 रुपये पे करने हैं जनरल OBC वालों को, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले जिसके SC ST C है ना, उनको 750 रुपये। योग्यता की बात करें तो आपको योग्यता यहाँ पर देख सकते हो कि देखिए डिपेंड करता है कि आप PG कोर्स कर रहे हो या फिर UG कोर्स कर रहे हो। तो PG कोर्स के लिए यहाँ पर अलग दिया हुआ है, और UG कोर्स, जैसे कि UG कोर्स जो करना चाहते हैं उनके तो 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है? मिनिमम 50% होना चाहिए 12th में, तो ये यहाँ पर योग्यता है बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि BRT के लिए। BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, 12th में बैचलर ऑफ ऑप्थल्मिक टेक्नोलॉजी। एज की बात करें तो 17। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया रहेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये डोमिशन क्राइटेरिया हो गया। मेडिकल फिटनेस आपको सभी को रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं क्या होती है बता दूंगा इसी भी चैनल पर। सो आपको तो कुछ नहीं, अप्लाई कर देना है अगर आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो। कॉलेज देख लो यहाँ पर आप, SMS मेडिकल कॉलेज में MSc कितनी सीटें, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में कितनी है, PG डिप्लोमा प्रोफेशन की कितनी है, BRT की कितनी है, सब कुछ इस टेबल में शो किया हुआ है।
आरएन टीम में कितनी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में कितनी है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है कि 100% सीटें और आपकी जो 2 साल का 3 साल के होते हुए से अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीआरटी के लिए भी यहाँ 25% सीटें, ये सब आप रीड कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर दिया हुआ नहीं, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और टेस्ट आपका देखो 120 मिनट आपको मिलने वाले, इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर होता है, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 50 क्वेश्चन तो आपको फिजिक्स से और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, टोटल 100 नंबरों का आपका पेपर होता है। टाइप की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से, और इनकी तैयारी हम करवा रहे हैं हमारे GK MCQ MK चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा आपका, तो आपको तैयारी की ज़रूरत है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन पर +1 आपको आंसर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा आपका, सो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा इसके लिए, और उसके बाद आपके जो रिजल्ट आएगा उसके काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कोई शक हो तो कमेंट करके बता देना। इसके बाद बात कर लेते हैं फार्मेसी की, ठीक है। चलिए फार्मेसी के बारे में जान लेते हैं। सो फार्मेसी के लिए आप देख सकते हो बैचलर ऑफ बी फार्मा 4 साल का, डी फार्मा 2 साल का, राइट। सेम वही यहाँ पर डेट यहाँ पर दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस वही जनरल ओबीसी 1500, रिजर्व कैटेगरी के लिए 750। योग्यता आपकी सेम होनी चाहिए, देख सकते हो, ठीक है। बी फार्मा के लिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री आपके होना चाहिए। डी फार्मा में देख सकते हो 10+2, और कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स हो तब भी चलेगा डी फार्मा के लिए और बी फार्मा के लिए, यानी कि मैथ वाले भी इसको कर सकते हैं फार्मेसी को, ठीक है। तो बायो वाले भी कर सकते हैं और मैथ वाले भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं, रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है सेम, और यहाँ पर फीस सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, प्राइवेट के लिए भी कितना होता है ना, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात कर लेते BPT के लिए। सो ये BPT का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, 4 साल का ये कोर्स होता है आपका, डिग्री कोर्स है, डेट सेम वही है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भी सेम है 1500, और रिजर्व कैटेगरी वाले के 750। योग्यता सेम वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होना चाहिए 12th में, राइट। एज लिमिट 17 से 25 28 वही की हुई है रिजर्वेशन, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, योग्यता की बात करें तो कोई अलग नहीं है, फीस के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए, अब आप बेशक अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि बी एस नर्सिंग के लिए हमको अप्लाई करना है, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है ये आपको फॉलो करनी है, राइट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का आ रहा है ना बटन, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको ईमेल आईडी से, ठीक है। तो हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम तो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड हम आपको इंटर कर देंगे। तो चलिए, सो जैसे पासवर्ड और हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम एडमिशन टू बेस नर्सिंग 4 ईयर्स कोर्स 2020। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। सो ये लो आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। बड़ी बारीकी से यहाँ पर आपको फिल करना होगा, एप्लीकेंट का नाम,
फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में वो यहाँ पर फिलअप करना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दी हुई है, कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद नागरिकता, स्टेट, आईडी प्रूफ, राइट, आईडी प्रूफ का नंबर आधार दे सकते हो, पैन दे सकते हो, पैन कार्ड नंबर दे सकते हो। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पर देनी है ना, राज्य, शहर, आपके ज़िला, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद को भरनी है, ठीक है। और ये सारी आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर वही देना है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका पर्सनल चालू हो, ताकि एक आपको कॉन्टैक्ट कर सके कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो। उसके बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपके सिग्नेचर होंगे उसमें, ठीक है, आपके सिग्नेचर, आपके फ़ोटो, ठीक है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा और देखो पेमेंट भी होगा। तो सारी नॉलेज चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको इससे आगे का प्रोसेस सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और तैयारी करनी है तो हमारे जीके एमसीक्यू एमके चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।